राइट। सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन थी, कैसे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, लोगों से व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज बाहर आए, आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, जो आपको कह रहे हैं उसका माइलस्टोन में कह रहा हूँ, उसका मैं ब्रीफ कर देता हूँ। स्टूडेंट थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए तो फिर ब्रीफ कर देता हूँ मैं, ताकि सबको एक ही दफा समझानी पड़े, बात बार बार मुझे रिवाइज करना ना पड़े। ठीक है, तो मुझे आप ना जो नेक्स्ट सेशन मतलब रिस्टार्ट करूँ जब सेशन, तो फिर मुझे उसको रिमाइंड कराना, तो उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उसका क्या है प्रोसीजर और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या करना है, वॉट एवर एवरीथिंग आई विल ब्रीफ यू। ठीक है, आप परेशान मत होगी। अच्छा जी, हम लोग पहले इस तरीके से हम हमेशा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में लिख देता हूँ पहले उनका, फिर मैं एक रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ जो हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, वो हमने बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बारे में ये कहा था मैंने कि हम रियल लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करने के लिए या मल्टीपल ऑप्शन को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो तरीका है वो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होती है, स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट भी होती है। वैसे मैंने खाली इफ एंड एल्स इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि बुक के अंदर खाली वही तक था। वैसे स्विच स्टेटमेंट भी होती है इसके अलावा। ठीक है, सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स से जितनी भी टाइप की स्टेटमेंट्स, और सबका कोर जो सोल पर्पस एक ही है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको चूज करने हैं, तो आप उसमें से या चॉइसेस आपको मल्टीपल हैं किसी एक काम करने की, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने लूप्स का ओवरव्यू लिया था। आवाज वॉइस बहुत आ रही है। लेट मी सेकंड। अब आवाज बेहतर है। अब मेरी आवाज हाँ जी, अब मेरी वॉइस क्लियर है?
यस अच्छा जी, लास्ट उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था मिड के बारे में, तो मिड के लिहाज से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जितने टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ठीक है वो सारे इंक्लूडेड है मिड में। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े अभी मैं एक रिकैप कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था एल्गोरिथम से, उसके बाद हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जिसमें लॉजिक गेट्स वगैरह आ गए थे उनके बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके अलावा हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एल्गोरिथम्स की ही फर्दर इन डेप्थ एल्गोरिथम्स को भी देखा था। इसके बाद डिसीजन मेकिंग या डिसीजन स्टेटमेंट्स या और लूप्स, ये दो चीज़ें हमने देख ली। इसके अलावा नंबर सिस्टम, कन्वर्जेंस जिसको हम कह सकते हैं, हमने कन्वर्जेंस करी। और लास्ट टाइम हमने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की सिक्वेंशियल सॉर्ट और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को भी देखा था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग रिकर्जन और ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करेंगे इंशाल्लाह, और एरे स्टैक क्यू इसको भी देखेंगे। वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं सारे के सारे आपके यूट्यूब का लिंक मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स जितने भी अभी तक हैं सारे अपलोडेड हैं। आज का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं आज ही अपलोड कर दूँ, अगर आज नहीं कर सका तो वेडनेसडे तक मैं इसी वीक के अंदर अंदर कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका होपफुली मिड होगा। ठीक है, तो ये है लूप्स मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे बेटा, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। और दूसरी वाली चीज भी चले अभी क्लियर कर ही लेते हैं, अब जब एक दफा बात शुरू हुई है तो जो माइलस्टोन मैंने दिया है, माइलस्टोन का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो आपने टॉपिक फाइनलाइज किया है अब उसको एक बेहतर तरीके से एक रिप्रेजेंटेबल वे में थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हैं और आपकी अप्रोच क्या होगी। अप्रोच का मतलब वहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आप पावर पॉइंट यूज करोगे या व्हाइट बोर्ड इस तरह मैं यूज कर रहा हूँ ये यूज करोगे या किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें उसमें मैंने पूछी हैं, उसमें मैंने मेंशन भी की हुई है, एक वर्ड की फाइल भी शायद अटैच है, मैंने पॉइंट्स के अंदर इन पॉइंट्स को लिखा है कि ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ माइलस्टोन 1 के अंदर। तो आप माइलस्टोन 1 के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पुट ऑन कर देंगे तो वो चीज आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। हाँ, रफली बताना है लेकिन ताकि आपको भी क्लियर हो आपका विजन क्या आप करके आ रहे हो और मुझे ये पता हो कि मैं एक्सपेक्ट क्या करूं प्रेजेंटेशन को चेक करते वक्त। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जब मैं ले रहा हूं, जब मैं मार्किंग कर रहा हूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी उससे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बुक के हिसाब से सईद ने बोला है गाइड कर दें। बुक के हिसाब से भाई आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 जो ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह लें वो चैप्टर नंबर 6 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ओवरव्यू और इसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 भी शायद उसका भी कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं और 4 को नहीं पढ़ा हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, और वो हम इंशाल्लाह मिट के बाद पढ़ लेंगे और 5 और इस तरीके से। और किसी ने इंस्ट्रक्शन साइकिल का कोई क्वेश्चन किया था वो क्या किया था मुझे एक दफा दोबारा पूछ लें। देखो 5 मिनट्स होंगे आपके पास, ठीक है, 5 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मतलब ये कि आप 5 मिनट के अंदर आप उसको कवर अप करना है आपने, तो 5 मिनट के अंदर आप इतना कंटेंट रखें कि आप 5 मिनट में उस चीज़ को समझा सकें, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं तो अगर मैं 5-5 मिनट भी दूंगा तो भी 2-3 क्लासेस इसमें लग जाएंगी, तो ये चीज़ देख लें। एग्जाम का मैं कुछ कह नहीं सकता यार, अभी तक कोई डिसीजन मेरे पास अभी तक फाइनल आया नहीं है कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन का मतलब कैंपस में। इंस्ट्रक्शन साइकिल वही है जो हमारे मदरबोर्ड की वर्किंग कैसे इनपुट है। जी जी बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन साइकिल वही होती है जो मैंने पूरी वर्किंग एक इंस्ट्रक्शन की बताई थी ना, कि इंस्ट्रक्शन कैसे ऑपरेशनल कोड होता है और उसमें एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होती है, डाटा होता है आपका, और वो किस तरीके से फिर मदर कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट ये डिसीजन लेता है कि इसको मुझे किसके पास भेजना है, अगर उसमें कोई कैलकुलेशन होता है अर्थमेटिक्स होती है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को उसको पास कर देता है, अदरवाइज उसको वो जिस भी डिवाइस को ऑन करने का फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्ट्रक्शन है या इस तरीके कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो उसको परफॉर्म करता है। और ये सारे काम मदरबोर्ड के ये जितनी भी सिस्टम है या प्रोसेसर है एवरीथिंग इज एक्चुअली प्लेस्ड ऑन या सिचुएटेड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली ये सारी चीजें प्लेस हुई भी होती है।
नंबर नंबर का क्या करना है, ईमेल है आपके पास, ईमेल के ऊपर डिस्कशन कर लो नंबर। वैसे ही दो तीन स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुके हैं, मैं इसको पर्सनली अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आप बेहतर यही है कि आप ईमेल पर हो, तो आपके पास भी उसका ट्रैक रहता है, मेरे पास भी ट्रैक रहता है। मैं व्हाट्सएप पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बात बोल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके ये मार्क्स मैं देख लूंगा या कुछ कर दूंगा, हो सकता है कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन फिर बाद में नहीं देख सका या मैं भूल गया, तो ईमेल ऐसी चीज है जिसके ऊपर ट्रैक रहता है, तो ईमेल ज्यादा बेहतर है। तो ईमेल में जब देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि यही है, बिल्कुल यही ईमेल है समीर जो आपने शेयर करी है। ठीक है जी, और किसी का कोई मिट के हवाले से क्वेश्चन है या उसके हवाले से क्वेश्चन है तो चैट पे जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग आज के लेक्चर की तरफ प्रोसीड करें। सर मिड में कितने सवाल आते हैं ये बता दें, एमसीक्यू आते हैं क्या आते हैं टाइम। देखो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वैसे जब ऑन कैंपस होता था तो उसमें तो हम मिक्स दे देते थे नॉर्मली, ठीक है, कि उसमें कुछ एमसीक्यूज भी का पार्ट भी होता था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट भी होता था, तो लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शनल या एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। वहाँ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का कुछ पार्ट है और 5, 6 यही है, ठीक है, 1, 2, 3 का कुछ पार्ट है, बुक को चेक कर लेना, और 5 और 6, ठीक है, टॉपिक्स मैंने जो मेजर टॉपिक्स हमने कवर करे वो मैं बता चुका हूँ। एग्जाम मैंने अभी क्वेश्चन पेपर फाइनलाइज नहीं किया, वैसे मोहम्मद अवैस मैंने लूप लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, नहीं किया लूप डिस्कस मैंने, फॉर का मैंने सेंटेक्स लिखा है, रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना भाई। बुक कहाँ है, माशाल्लाह अभी तक आपको पता ही नहीं है बुक कहाँ है, बुक गूगल क्लासरूम पे पड़ी हुई है, गूगल क्लासरूम पे मैंने शेयर कर दी थी बुक। ये वहाब आप उनसे पूछो जो आप लोगों का वो सर फराज है मेरे ख्याल से, वो बताएंगे आपको शायद बेहतर इसके बारे में कि डेट शीट कब आएगी। वैसे जो वो है एकेडमिक कैलेंडर है उसके लिहाज से तो 19 to 25 ये जो वीक है उसमें आपका मिड आ रहा है, तो आज अगर 10th है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 19 नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पड़ेगा, यानी नेक्स्ट वीक भी आपकी क्लास होगी, उसमें मैं रिकैप करा दूंगा या कुछ और कोई आसान टॉपिक हम लोग कर लेंगे ताकि वो आपके लिए हैसल ना बने ज्यादा, ठीक है। तो 19 to 25 का जो वीक है ये बेसिकली आपका एग्जाम वीक है कह लें आप मिड का, तो इसमें से कोई भी एक दिन होगा। वहां वही डेट शीट से पता चलेगा, वो तो वो आप को मेल करेंगे या किसी तरीके से मैकेनिज्म से बताएंगे, तो परेशान मत हो आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर है, परेशान मत हो आप लोग, सब कुछ बताएंगे वो, कोई मसला नहीं। मैं खुद 11th वर्जन फॉलो कर रहा हूँ, सही, अगर आपके पास 12th वर्जन है ये तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। मैं टॉपिक्स देख लेना, हो सकता है नेक्स्ट वर्जन के अंदर टॉपिक्स की प्लेसमेंट हो सकता है आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है हो, लेकिन टॉपिक्स हम लोग वही सारे कवर करें जो मैं बता चुका हूँ। हमने स्टार्ट किया था एल्गोरिथम से और उसके बाद हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही लू गेट्स वगैरह की डिस्कशन करी थी, उसके अलावा आगे फिर बात करी थी, सब सेम है ना, तो बस उसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमने डिस्कशन करी थी, इसके अलावा लूप के ऊपर डिस्कशन करी थी, और एंड में हमने सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हुए अपनी जो लास्ट क्लास थी और क्विज के साथ उसको वाइंड अप किया था। तो आज का जो एजेंडा है बेसिकली आज जो डिस्कस करना है उसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये वो सेशन रिस्टार्ट हो गया था।
क्विज नंबर वन के मैंने मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, क्विज नंबर टू के मैंने नहीं करे अभी तक, वो मैं चेक करने का मुझे अभी तक मौका मिला नहीं है, वो मैं चेक करके अपलोड कर दूंगा। क्विज वन के मैंने अपलोड कर दिए हैं गूगल क्लास उस पे, LMS पे। GCR पे थोड़ी करते हैं, मार्क्स हमेशा आपके जितने भी होते हैं वो LMS पे अपलोड होते हैं, तो LMS पे अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप LMS अपना चेक कर लो, उसमें मार्क्स आ रहे होंगे, मेरे ख्याल से 7 या 6 मार्क्स ऑन एवरेज यही मार्क्स आए हैं, 7 6 7 6 तकरीबन। कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वो आपका एंड वो होगा वो, उसके उस वक्त सोचना। यार मैं इतना भुलक्कड़ हूं नहीं, मैं तो मैं दिखा देता हूँ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। ये वाली वीडियो है शायद, उसमें लूप को मैंने शायद डिस्कस किया था। अपनी मर्जी का कोई भी प्रॉब्लम ले लें, नहीं का मतलब प्रोसीजर कह लें आप, ठीक है। तो टी मेकिंग का एल्गोरिथम में अगर कंप्यूटेशन ऐड करना चाहें तो क्या कंप्यूटेशन हो सकती है उसमें? प्रोसेसिंग के लिहाज से हो सकती है, जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे होंगे उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। तो टी मेकिंग वाला प्रॉब्लम आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत जनरलाइज हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं सोचते है, हैं। आप लोगों ने चले जी आप लोग भी सब जल्दी सर, जी। सर सवाल ये है कि जो मैंने ना कल बुक पढ़ी थी उसके अंदर ये उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन जो कोड है वो क्या आएगा सिलेबस में या नहीं? इंस्ट्रक्शन कोड जो रजिस्टर से आता है सी उसे, तो वो जो कोड है इंस्ट्रक्शन कोड वो आएगा डिकोड करने के लिए या नहीं? डिकोड करने के लिए तो शायद ना आए, वैसे उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, पूछ लूं। अच्छा हो सकता है यार लूप रह गया हो, मैं लूप अभी जल्दी से भी डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। समीर और साद, असल में देखो हुआ ये है कि काफी सारे बच्चों का ये फर्स्ट क्विज था, और LMS की वजह से उनको वो काफी सारे मसले मसाइल हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एवरेज मार्किंग करी थी, और अगर किसी का बहुत ही खराब था तो उस लिहाज से मैंने फिर उसको मार्क्स कम दिए होंगे, अदरवाइज मैंने ज्यादातर बच्चों को मार्क्स एवरेज अच्छे ही दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्विज था तो सबका साथ मसला था, तो इसलिए मैंने उसको ऑन एवरेज मार्क्स रख के दिए हैं। 4 मार्क्स नहीं आए होंगे, 6 होंगे, 6 या 7 होंगे आपके। हाँ 4 मार्क्स काटे हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस दफा एवरेज मार्किंग को यूज किया है फिलहाल इस फर्स्ट क्विज के अंदर। नेक्स्ट क्विज के अंदर मैं इस एवरेज मार्किंग को नहीं यूज करूंगा, कि फर्स्ट क्विज था सबके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, सब कंफ्यूज थे, कुछ का अपलोड हुआ, कुछ का लेट अपलोड हुआ, कुछ से नहीं हुआ, कुछ ने ईमेल करी, इतना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसको चेक करना एक अलग ही हैसल बन गया था, तो इसलिए मैंने फिर उसको एवरेज मार्क करके सर सबको मैंने एक ही ट्रैक पे कर दिया था फिलहाल।
इस खाली एक क्विज के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों सबको बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्विज में सबके साथ इशू था, तो इसलिए मैंने इस चीज को ऐसे हैंडल किया। वैसे नेक्स्ट क्विज के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्विज नंबर टू के अंदर जिसने जो दिया है वही उसको मार्क्स मिलेंगे, वो चेक होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अब सबको यूज करना आ गया है गूगल फॉर्म, तो अब मसला नहीं है, तो अब उसको प्रॉपर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लूप का जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लूप क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं, ठीक है। लूप का जो सोल पर्पस है, लूप का जो यूजेज है बेसिकली ये है कि जब आपको कोई भी रिपीटेटिव काम करना हो, ठीक है, या ऐसा काम करना हो जिसमें या कोई भी ऐसा काम करना हो जो कि आपने सेम पैटर्न को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो आपके पास लूप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना नाम 10 दफा प्रिंट करना है, 100 दफा प्रिंट करना है, या 1000 रिकॉर्ड्स को बेसिकली शो करना है, तो एक तरीका तो ये कि मैं 100 लाइनें लिखूं उन 100 रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसकी जगह लूप यूज कर लूं और लूप को यूज करते हुए उन 100 वैल्यूज को डायरेक्ट स्ट्रेट अवे प्रिंट करवा दूं, ठीक है। लूप्स के भी डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स हैं, एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल लूप होता है। मैं लिख भी देता हूँ जल्दी से उसका सिंटैक्स वगैरह और फिर देखते हैं। जो फॉर लूप है उसका जनरल सिंटैक्स जो है, ओवरव्यू सिंटैक्स जो है वो बताता हूँ। अच्छा जी, जो आपका फॉर लूप है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का, ठीक है। डिक्लेरेशन की मैंने स्पेलिंग में खास गलत लिखी है, डिक्लेरेशन सही है शायद, अच्छा खैर व्हाटएवर। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है, और ये सेमी कॉलन सेपरेटेड होते हैं, सेमी कॉलन को वैसे टर्मिनेटर भी कहा जाता है, ठीक है, या सेपरेटर भी कहा जाता है, सही है, स्टेटमेंट सेपरेटर। और इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन के बाद कंडीशन होती है, जो कंडीशन जिसको बेसिकली चेक करके आपका लूप चलेगा कि फॉर एग्जांपल आपने 100 दफा चलाना तो 100 टाइम्स प्रिंट की जो कंडीशन है वो आप इस पार्ट के अंदर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वैल्यूज को इंक्रीज करना, और डिक्रीमेंट का मतलब वैल्यू को डिक्रीज करना, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है, एक जो ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, ठीक है, और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है, इसको स्कोप कहते हैं, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या है कि जो जब ये लूप चलेगा, ये फॉर का लूप जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस फॉर लूप को कंडीशन के ऊपर चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 टाइम्स लूप चलाना है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट माई नेम, ठीक है, तो माई नेम जो है बेसिकली वो 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसा होगा वो मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है आप लोग लैब में यूज कर चुके हो या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की। तो जब ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन बेसिकली आपकी कह लें जब आप ये चलाएंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो माय नेम जो है बेसिकली वो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, नहीं एंड में नहीं लगेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है।
स्टेटमेंट के एंड में टर्मिनेटर बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इस जो टर्मिनेटर है ये बेसिकली आपके कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को ये गाइड करता है कि यहाँ पे जो लाइन है स्टेटमेंट है वो एंड हो रही है, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ होता है। अगर आप पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन के अंदर यही सिंटैक्स होता है जो लिखा हुआ है, जब उसके बजाय ये कर्ली ब्रेसेस के बजाय उसमें पाइथन के अंदर कॉलन होता है, ठीक है। अगर आप जावा की बात करें तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन होता है, और अगर सी शार्प की बात करें जो कि जिसमें आप लोग काम कर भी रहे हैं तो उसमें कंसोल डॉट राइट लाइन होता है, ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन जो भी आप प्रिंट करना चाहे पेरेंथीसिस के अंदर, जो राउंड ब्रैकेट होता है इसको पेरेंथीसिस कहते हैं, पेरेंथीसिस के अंदर कोट डबल कोट्स के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो जब ये लूप आपका कॉल होगा तो वो चल जाएगी। ये फॉर लूप समझ आ गया? फॉर लूप में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सबको क्लियर है? किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ लें, कुछ चीज समझ ना आई हो। चलें, गुड है। अब आगे बढ़ते हैं व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप का जो जनरल सिंटैक्स है वो ये है कि आप व्हाइल का कीवर्ड होता है, ठीक है, और व्हाइल के कीवर्ड कीवर्ड तो समझते हैं ना, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का मतलब पता है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कीवर्ड का मतलब पता है? कीवर्ड क्या होता है, किसे कीवर्ड बोलते हैं? नहीं, कीवर्ड का मतलब ये होता है, आप लोग गलत समझ रहे हो, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि उस वर्ड की उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई खास मतलब है, कोई स्पेशल स्पेसिफिक मीनिंग है जिस उस वर्ड की, और जब आप उस वर्ड को यूज करेंगे तो जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो उस मीनिंग को समझेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हाँ, प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी लाइब्रेरी या उसकी जो हेडर्स होते हैं उसके अंदर वो चीज मौजूद होती है। तो व्हाइल का फॉर एग्जांपल जो आप लिखोगे ना, तो व्हाइल जब आप सी शार्प अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर लिख के भी देखना, या विजुअल स्टूडियो कोड व्हाटएवर जो टूल यूज कर रहे हो आप लोग, उसका कलर चेंज हो जाएगा फौरन से, ठीक है। तो कलर चेंज होने का मतलब ये होता है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है, जो आपने चीज लिखी ये चीज, उसका कुछ ना कुछ खास मतलब है प्रोग्रामिंग, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो तो उस चीज को हाईलाइट करने के लिए बेसिकली ये काम हो रहा होता है। तो इसी तरीके से जो फॉर का लूप है, फॉर है तो ये एक रिजर्व कीवर्ड है, कीवर्ड है। व्हाइल है, ये भी कीवर्ड है। डू व्हाइल है, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं उनके एक खास मतलब होता है और उनको हम एक स्पेसिफिक मकसद के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो व्हाइल लूप जो होता है फॉर लूप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये भी लूप की ही एक फॉर्म, लेकिन इस लूप के अंदर क्या होता है, हमारा लूप जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो हम फॉर की अगर कंडीशन देखें, फॉर लूप को देखें, तो फॉर लूप में हम कंडीशन दे रहे थे कि कहाँ तक चलना है इस लूप को, यानी फॉर एग्जाम्पल 10 तक चलना है, 100 तक चलना है, 1000 तक चलना है, 10,000 तक चलना है, जितनी वैल्यूज तक हम चलाना चाहते हैं उस लूप को उतनी हम वैल्यूज उसको पास कर देते हैं। जबकि व्हाइल लूप के अंदर हम ऐसा नहीं करते, व्हाइल लूप के अंदर हम सिंपली कंडीशन देते हैं अपनी, और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी या कंडीशन वो वैलिड है तब तक आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इवन ऑड का हमने प्रोग्राम लिखा था, याद है आपको, तो उसी का मैं व्हाइल लूप के थ्रू उसको मैं चेक लगा देता हूँ उस पर। ठीक है, तो ये जब तक हम ये जो नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है,
ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल है, जब तक इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू इवन होगी तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा। जैसे ही मैं ऑड वैल्यू दूंगा उसी वक्त ये लूप से मेरा जो कंपाइलर वो एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस समझ आया? ये व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और फॉर लूप की हमें जो भी लिमिट देते हैं उस लिमिट तक चलता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर आपको करना है तो आप बाहर कोई भी जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है, तो आप ये कर सकते हैं नंबर प्लस प्लस, तो नंबर की जो वैल्यू होगी वो उसमें एक ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस का मतलब होता है वन का इंक्रीमेंट, वन वैल्यू का इंक्रीमेंट करना। अगर प्लस टू कर देंगे तो टू टू वैल्यूज का इंक्रीमेंट होगा, यानी टू का टेबल प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर प्लस थ्री कर देंगे तो ऑड नंबर का सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, इवन नंबर की ऑड नंबर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसे जैसे फाइव का टेबल प्रिंट करना है तो फाइव करते हैं, तो फाइव फाइव की डिफरेंस से आपका लूप चलना शुरू हो जाएगा। फॉर लूप के अंदर आप ये कंडीशन नहीं लिख सकते थे डायरेक्टली, नहीं ये वहां नहीं लिख सकते थे। वहां आप क्या कर सकते थे, वहां पे आप यहाँ पे लूप लगा सकते थे, सॉरी इफ का चेक लगा सकते थे। तो इफ की कंडीशन से आप ये चेक कर लेते और 10 दफा उसको प्रिंट करा देते, अब ये कर सकते थे फॉर लूप के थ्रू। आप इसको ट्राई भी कर लेना, नहीं इसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि जो फॉर लूप है उसको इसकी लिमिट चाहिए होती है, ये उसका सिंटैक्स है, रिक्वायरमेंट है उसकी। अच्छा जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी बिल्कुल मिलता जुलता ही होता है, सिंपल है, उसका भी लिख देता हूँ। डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है कि आप स्टेटमेंट्स देते हैं और जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये डू के जो वो है अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ये कह लें आप व्हाइल लूप का ही एक वेरिएंट है या एक उसी का एक वर्जन है, जिसमें आप स्टेटमेंट्स वाले पार्ट को अलहदा कर देते हैं कंडीशनल वाले पार्ट से। तो जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी जो स्टेटमेंट है वो डू के लूप के अंदर, डू के जब तक वो काम करता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी इसका मतलब डू में अगर इसको मैं यूं कहूं कि ये काम कर दो जब तक ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो जब तक फॉर एग्जांपल अगर इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर प्रिंट करते रहो, तो डू प्रिंट इवन नंबर जब तक इवन नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये वाला काम हम व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, डू व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बाकी कोई वो मसला नहीं है। हर लूप का जो बेसिकली सोल पर्पस है वो यही है, ठीक है। बाइनरी सॉर्ट में क्या बता दूं उमर, बाइनरी सर्च मैंने पढ़ाया था, बाइनरी सॉर्ट मैंने नहीं पढ़ाया। वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग तो है तुम्हारे आप लोगों के पास, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। असल में फिर आज के टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक पार्ट रख लेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। उसमें अगर आप लोगों की क्यूरीज हो तो वो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डू व्हाइल की एग्जाम्पल करा देते हैं। ये ले सिंपल एग्जांपल, जो इवन ऑड वाली एग्जांपल थी उसी को डू व्हाइल के थ्रू कर दिया।
ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? चले जी, अब हम लोग फिर मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, तो फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर हम लोग रिकर्जन स्टार्ट करते हैं।